बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, इसको निरंतर बल देना है। बेटा बेटी एक समान, यही हमारा मंत्र होना चाहिए। देश का प्रधानमंत्री एक भिक्षुक बन के आपसे बेटियों की जिंदगी की भीख मांग रहा है। बेटियां बचाएंगे, आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, हमारा आज का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम पर आधारित है। हमारा हरियाणा प्रदेश एक सौभाग्यशाली प्रदेश है। पानीपत शहर से प्रधानमंत्री जी ने इस मुहिम का आगाज किया। दोस्तों, हमें बेटियों को सशक्त करना होगा, वित्तीय तौर पर, सामाजिक तौर पर। इस विषय पर आधारित हमारे कवियों ने कविताएँ तैयार की हैं, आइए उनकी कविताएँ सुनते हैं। बेटी को बचाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम, विद्या के गहनों से बेटी को सजाओ तुम। क्या गुनाह किया मैंने, मेरा जीवन छीन लिया, और दुनिया में आने से पहले ही, और दुनिया में आने से पहले ही माँ मेरा कलेजा चीर दिया। गले लगा ले बेटी को, शिक्षित कर अनजान, क्यों कर रहा अपनी ही माँ बेटी का अपमान। अपनी बाहों के झूले में मुझको भी झुलाओ माँ, पत्थर दिल पिघलाओ माँ, मुझको मत मिटाओ माँ। इन्हें खाने दो दाना, ना समझो बेगाना, ना इनको सताना, ना इनको उड़ाना। परिवार की है शान बेटी से, समाज का है कल्याण, बेटी का है सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम सबका है अभियान। हमारे पहले प्रतिभागी, आइए जानते हैं इनका नाम। आपका शुभ नाम? पानीपत से विजेंद्र जैमनी। आप क्या सुनाने जा रहे हैं? कविता। सुनाइए। कविता का शीर्षक है बेटी का है सम्मान। बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा है वरदान, मानव जाति का है कल्याण, बेटी का है सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम सबका है अभियान, ये सबका है अभियान। बेटी बचाओ बेटी बचाओ, बेटी बचाओ बेटी बचाओ। परिवार की है शान बेटी से, समाज का है कल्याण, बेटी का है सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम सबका है अभियान, ये हम सबका है अभियान। भारत बचाओ भारत बचाओ, भारत बचाओ भारत बचाओ, बेटी है वरदान, जन जन का है कल्याण, बेटी का है सम्मान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हम सबका है अभियान, ये हम सबका है अभियान, ये हम सबका है अभियान। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप अपनी अगली कविता सुनाइए। बेटी को बचाने के लिए बेटी को पढ़ाना होगा। दूसरी कविता है मेरी बेटी मेरा वैभव। मेरी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी मेरी शान, मेरी बेटी मेरी आन बान, मेरी बेटी मेरी है पहचान। मेरी बेटी मेरा वैभव, मेरी बेटी मेरा वैभव, मेरी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी परिवार की शान, मेरी बेटी परिवार की आन बान, मेरी बेटी परिवार की है पहचान। मेरी बेटी मेरा वैभव, मेरी बेटी मेरा वैभव, मेरी बेटी मेरी बेटी, मेरी बेटी देश की शान, मेरी बेटी देश की आन बान, मेरी बेटी देश की है पहचान। मेरी बेटी मेरा वैभव, मेरी बेटी मेरा वैभव, मेरी बेटी मेरा वैभव। बहुत सुंदर। वी ऑल आर प्राउड ऑफ आवर डॉटर्स। थैंक यू जैमिनी साहब। हमारे अगले प्रतिभागी सर, आपका नाम? मैं महेंद्र जैन हूं और हिसार से आया हूं। आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं बेटी बचाओ पर अपनी कविता लेके आया हूं। सुनाइए। मेरे गीत का शीर्षक है बेटी को बचाओ तुम। बेटी को बचाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम, बेटी को बचाओ तुम,
बेटी को पढ़ाओ तुम विद्या के गहनों से, बेटी को सजाओ तुम विद्या के गहनों से, बेटी को सजाओ तुम। गजल विधा में इसका पहला शेर मैं आपको दे रहा हूँ। दिन रात बेटियों की इज्जत लूटी जाती, दिन रात बेटियों की इज्जत लूटी जाती, दिन रात बेटियों की इज्जत लूटी जाती, इन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो के सिखाओ तुम, इन्हें अपने पैरों पर खड़ा हो के दिखाओ तुम। बेटी को बचाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम, विद्या के गहनों से बेटी को सजाओ तुम। शिक्षित नारी ही तो दो घर शिक्षित करती, शिक्षित नारी ही तो दो घर शिक्षित करती, शिक्षित नारी ही तो दो घर शिक्षित करती, इसलिए जरूरी है बेटी को पढ़ाओ तुम, इसलिए जरूरी है बेटी को पढ़ाओ तुम। घटती दर कन्या की चिंतित है कि ये सबको, घटती दर कन्या की चिंतित है कि ये सबको, घटती दर कन्या की चिंतित है कि ये सबको, अब कोख में हत्या को जड़ से ही मिटाओ तुम, अब कोख में हत्या को जड़ से ही मिटाओ तुम। बेटी को बचाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम, बेटे से नहीं है कम किसी बात में भी बेटी, बेटे से नहीं है कम किसी बात में भी बेटी, बेटे से नहीं है कम किसी बात में भी बेटी, इस बात को खुद समझो सबको समझाओ तुम, इस बात को खुद समझो सबको समझाओ तुम। बेटी को बचाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम, विद्या के आभूषण इसको पहनाओ तुम, विद्या के आभूषण इसको पहनाओ तुम। बेटी को बचाओ तुम, बेटी को पढ़ाओ तुम। बहुत बहुत धन्यवाद जैन साहब। बेटियों के लिए हमें अपने नज़रिए को बदलना होगा। अब हम जैन साहब से उनकी अगली कविता सुनते हैं। मेरी अगली कविता का शीर्षक है एक दिन पछताओगे। कब तलक जुल्मों सितम इन बेटियों पर ढाओगे, कब तलक जुल्मों सितम इन बेटियों पर ढाओगे, जालिमों तुम देख लेना एक दिन पछताओगे, जालिमों तुम देख लेना एक दिन पछताओगे। गर नहीं इनको पढ़ाया और बचाया आपने, गर नहीं इनको बचाया और पढ़ाया आपने, अपने पैरों पर खड़ा कैसे इन्हें कर पाओगे, अपने पैरों पर खड़ा
कैसे इन्हें कर पाओगे। जालिमों तुम देख लेना, एक दिन पछताओगे। आएंगे बेटे कहाँ से, बेखबर सोचो जरा। आएंगे बेटे कहाँ से, बेखबर सोचो जरा। बेटियों के भ्रूण की हत्या जो तुम करवाओगे, बेटियों के भ्रूण की हत्या जो तुम करवाओगे। जालिमों तुम देख लेना, एक दिन पछताओगे। सृष्टि का निर्माण जब रुक जाएगा इनके बिना, सृष्टि का निर्माण जब रुक जाएगा इनके बिना। अपने बेटों के लिए बहु ढूंढते रह जाओगे, अपने बेटों के लिए बहु ढूंढते रह जाओगे। हंसती गाती बेटियां, हंसती गाती मुस्कुराती बेटियां घर पर ना हो। हंसती गाती मुस्कुराती बेटियां घर में ना हो। हर तरफ खामोशियां सुनसान सी तुम पाओगे, हर तरफ खामोशियां शमशान सी तुम पाओगे। जालिमों तुम देख लेना, एक दिन पछताओगे। जालिमों तुम देख लेना, एक दिन पछताओगे। वाह क्या बात है। जैन साहब ने शब्दों को बहुत ही सुंदर वर्णमाला में पिरोया। बेटियों के लिए हमें अपना नज़रिया बदलना होगा, भ्रूण हत्या को रोकना होगा। हमारी अगली प्रतिभागी, आइए जानते हैं इनका नाम और ये कहाँ से आई हैं। मधुबाला, फरीदाबाद से। आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, आप क्या सुनाने जा रही हैं। बेटी पढ़ाओ खुशियाँ पाओ शीर्षक नाम से कविता सुनाना चाह रहे हैं। सुनाइए। मत डालो बेटी के पैरों में बेड़ी, मत डालो बेटी के पैरों में बेड़ी, कच्ची कली को खिलने दो। मत डालो बेटी के पैरों में बेड़ी, कच्ची कली को खिलने दो। दे कर के विद्या का दान, दे कर के विद्या का दान, आसमान में उड़ने दो। मत डालो बेटी के पैरों में बेड़ी, कच्ची कली को खिलने दो। कल्पना ने कल्पना को साकार किया, कल्पना ने कल्पना को साकार किया। अंतरिक्ष में परचम लहरा, अंतरिक्ष में परचम लहरा, देश का ऊंचा नाम किया। कल्पना ने कल्पना को साकार किया, अंतरिक्ष में परचम लहरा, देश का ऊंचा नाम किया। साल भी गुड़े गुड़ियों का गया जमाना, गुड़े गुड़ियों का गया जमाना, अभी लेपिटो पिया पिनाना है। गुड़े गुड़ियों का गया जमाना, अभी लेपिटो पिया पिनाना है। कलम हाथ में दो बेटी के, कलम हाथ में दो बेटी के,
कलयुग बीतने वाला है, साल बीती सदियां बीती, साल बीती सदियां बीती, कलयुग बीतने वाला है। विद्या को हथियार बनाओ, विद्या को हथियार बनाओ, बेदर्द बड़ा ये जमाना है। विद्या को हथियार बनाओ, बेदर्द बड़ा ये जमाना है। दहेज गरीबी और अन्याय, दहेज गरीबी और अन्याय, शिक्षा से दूरी भगाना है। दहेज गरीबी और अन्याय, शिक्षा से दूरी भगाना है। भेदभाव का गया जमाना, भेदभाव का गया जमाना, शिक्षा का अलग ही जगाना है। भेदभाव का गया जमाना, शिक्षा का अलग ही जगाना है। अंतिम पंक्तियों को ध्यान से सुनिए और गौर करने की कोशिश कीजिए। बेटी नहीं, बेटी एक नहीं, दो परिवार सजाती है। बेटी एक नहीं, दो परिवार सजाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी, उजियारा फैलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी, उजियारा फैलाती है। बहुत सुंदर। हमें बेटों और बेटियों के बीच भेदभाव को मिटाना होगा। हमारी बेटी कल्पना चावला ने हमारा नाम अंतरिक्ष में रोशन किया। तो आइए दर्शकों, अब हम मधुबाला जी से इनकी दूसरी कविता सुनते हैं। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है बेटी की पुकार। माँ तुझे पर लानत है, तूने माँ का नाम लजाया है। माँ तुझे पर लानत है, तूने माँ का नाम लजाया है। क्या वो माँ ने थी, क्या वो माँ ने थी, जिसने तुझे पर ममता प्यार लुटाया है। माँ तुझे पर लानत है, उस माँ से जाकर पूछो, जो दर दर की ठोकर खाती है। बच्चे की चाहत में झोली फैलाती है। उस माँ से जाकर पूछो, जो दर दर की ठोकर खाती है। बच्चे की चाहत में झोली फैलाती है। ईश्वर की चाहत को तुमने क्यों अस्वीकार किया। ईश्वर की चाहत को तुमने क्यों अस्वीकार किया। दुनिया में आने से पहले, दुनिया में आने से पहले ही मुझको मार दिया। माँ तुझे पर लानत है, मुझको दुनिया में आने देती, मुझको दुनिया में आने देती, नन्नी कली खिल जाने देती। दुनिया चाहे हो दुश्मन, दुनिया चाहे हो दुश्मन, माँ तुम्हें मुझको जीवन देती। दुनिया चाहे हो दुश्मन, माँ तुम्हें मुझको जीवन देती। मैं भी जीना चाहती थी, मैं भी जीना चाहती थी, सपने खूब सजाती थी। पकड़ तुम्हारी उंगली माँ, आगे बढ़ना चाहती थी। क्या गुनाह किया मैंने, क्या गुनाह किया मैंने, मेरा जीवन छीन लिया। क्या गुनाह किया मैंने,
मेरा जीवन छीन लिया और दुनिया में आने से पहले ही माँ मेरा कलेजा चीर दिया, माँ आंचल में दूध आँखों में पानी, माँ की ममता की दुनिया दीवानी, माँ की ममता पर तूने कलंक लगाया है, एक नहीं दो घर का चिराग बुझाया है, फिर मन में क्यों बहु का ख्वाब सजाया है। जब बेटी नहीं होगी तो बहू कहाँ से लाओगे, और दूसरे की बेटी को माँ कभी नहीं अपना पाओगी, जय हिंद। बहुत सुंदर, ये वाकई एक सच है, महिलाओं के अधिकारों का हनन जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है। इन्होंने जैसा कि अपनी कविता में कहा, बेटी नहीं बचाओगे तो बहू कहाँ से लाओगे। आइए अब हम मिलते हैं अपने अगले प्रतिभागी से। मैं वाजिद अली जैनवी, गांव सग्गा, जिला करनाल से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, मैं आपके समक्ष एक कविता और एक गीत प्रस्तुत करूँगा। मेरी कविता का शीर्षक है संभल जा रे तू नादान। आपकी कविता का शीर्षक है संभल जा रे तू नादान, सुनाइए। जी, अधीर हो जाती है एक माँ जब उसका बेटा मुश्किल में हो, बेचैन हो उठती है एक बहन जब उसका भाई परेशान हो, विचलित हो जाती है एक बेटी जब उसका पिता उदास हो। इन रिश्तों की गरिमा समझता है कौन, समाज आज भी क्यों हो रहा मौन। संपूर्ण होता जीवन जब एक पत्नी पास हो, और पत्नी की अच्छी सी प्यारी सी एक सास हो। खुशहाल होता परिवार जब ऐसी जिंदगी की आस हो, नारी जीवन से फिर भी उदास, चाहता क्यों उसका भ्रूण नाश। भाई क्या भाई को बांध देगा राखी, पापा जन्म देगा बच्चों को या फिर सुनाएगा लोरी। देगा बेटा बाप को बेटी जैसा प्यार, मिटाता नारी की पहचान। संभल जा रे तू नादान, गले लगा ले बेटी को शिक्षित कर अनजान, क्यों कर रहा अपनी ही माँ बेटी का अपमान। मेरा अगला गीत है, गीत का शीर्षक है लड़कियों से ना तुम घबराना। बनेगी लक्ष्मी बाई रजिया सुल्ताना, लड़कियों से ना तुम घबराना। सच ही कहा है लक्ष्मी ने को, खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे मिल जाए जिनको, ईद सी खुशी हो घर में दिवाली मनाना, लड़कियों से ना तुम घबराना। लड़की बिन होगा सूना सांगन, झूले न होंगे कैसे मुस्काए सावन, इनको भी सीखो तुम गले से लगाना, लड़कियों से ना तुम घबराना। बांधेगी राखी बहना टीका लगाएगी,
बांधेगी राखी बहना टीका लगाएगी, किसी की बन के दुल्हन मांग सजाएगी, किसी की बन के दुल्हन मांग सजाएगी। इनको भी बेटे जैसे खूब पढ़ाना, लड़कियों से ना तुम घबराना। बन कर माए ममता लुटाए, बन कर माए ममता लुटाए, आंगन में फूलों की बगिया सजाए, आंगन में फूलों की बगिया सजाए। ले लो शपथ अब वचन ये निभाना, लड़कियों से ना तुम घबराना, लड़कियों से ना तुम घबराना। बनेगी लक्ष्मी बाई रजिया सुल्ताना, लड़कियों से ना तुम घबराना। लड़कियों से ना तुम घबराना, दोस्तों हमारे समाज में ये बात गहरे तक बैठी हुई है कि बेटियों के साथ बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। अब हमारे अगले प्रतिभागी, आप कहाँ से आए हैं और आपका शुभ नाम? मेरा नाम पवन कुमार बंसल है और मैं भिवानी से आया हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप क्या सुनाने जा रहे हैं? मैं कविता सुनाना चाहता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। कृपया सुनाइए। बहू कहाँ से लाओगे और कैसे वंश बढ़ाओगे, अगर बेटी नहीं पढ़ाओगे और बेटी नहीं बचाओगे। माँ से बढ़कर कुछ नहीं, भगवान भी कहते आए हैं, कन्या ही तो माँ बनती है यही देखते आए हैं। कन्या नहीं रही धरा पर तो माँ कहाँ से लाओगे, क्या मुझको बतलाओगे। बहू कहाँ से लाओगे और कैसे वंश बढ़ाओगे, अगर बेटी नहीं पढ़ाओगे और बेटी नहीं बचाओगे। हमारे अगले प्रतिभागी नरवाना से, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आप क्या सुनाना चाहेंगे? मैं, जैसा कि हमारा विषय है उससे संबंधित दो रचनाएं मैंने लिखी हैं और वही रचनाएं मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा। मेरी पहली रचना है पत्थर दिल पिघलाओ माँ मुझको मत मिटाओ माँ। मैं इस रचना के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ये रचना उस वक्त मेरे दिमाग में आई थी, मैंने सोचा अगर एक बच्ची जो माँ के पेट में पल रही है, जब उसे पता चलता है कि मुझे मिटाने के लिए लेके जाया जा रहा है, तो उसके मन से कैसे भाव निकलते हैं। उन्हीं भावों को इस कविता में पिरोने की कोशिश की है। तो वो सोचती है, अपनी माँ से कहती है, पत्थर दिल पिघलाओ माँ मुझको मत मिटाओ माँ। क्या ममता सूख गई है तेरी आँखों के जल से, मेरे लिए क्या दूध न आता तेरे वक्ष स्थल से। मैं तेरा ही अंशरी पलती तेरी कोख में, खिलने देना तेरी कली को आकर इस लोक में। अपनी बाहों के झूले में मुझको भी झुलाओ माँ, पत्थर दिल पिघलाओ माँ मुझको मत मिटाओ माँ। तू भी तो खेली थी कभी नानी के संग मोद में, मैं भी खेलना चाहती हूँ तेरी प्यारी गोद में। कहते हैं माँ की गोद में जीवन हंसता रहता है, तेरे यहाँ तो हरदम हर पल एक नाग सा डसता रहता है। बुरी सोच के इस नाग से मुझको तुम बचाओ माँ, पत्थर दिल पिघलाओ माँ मुझको मत मिटाओ माँ। शुक्रिया। कहते हैं माँ ममता की मूरत, प्यार का घर है माँ के दिल में, मुझे मिटाकर फर्क मिटाओगे माँ बाप और कातिल में। तेरी ममता क्यों मौन है माँ, पाषाण करो ना हृदय को, भगवान भी माफ करेगा नहीं इस घिनौने कृत्य को। अपनी इस दैत्य सोच पे कुछ तो तुम शर्माओ माँ, पत्थर दिल पिघलाओ माँ मुझको मत मिटाओ माँ। इस जग का आधार है नारी, इसे नारी से वंचित करोगे। तुम भी तो हो खुद एक नारी, क्या नारीत्व को कलंकित करोगे। इस सृष्टि का सार है नारी की ही कोख में, तेरा इसका उसका सबका अंत पाओगे मेरी मौत में।
यूं ना जग मिटाओ माँ, हाय पाप ना कमाओ माँ, पत्थर दिल पिघलाओ माँ, मुझको मत मिटाओ माँ, पत्थर दिल पिघलाओ माँ, मुझको मत मिटाओ माँ। मेरी दूसरी कविता, और जैसे नारी शिक्षा पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया, उसी को लेकर है कि हमें नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। और वहीं से बात निकल कर आती है कि नारी को मिटाया भी जाता है और उसको बचाने का हमें कितना प्रयास करने की आवश्यकता है, वरना हमारे देश का और इस विश्व का क्या हाल होगा हम कल्पना भी नहीं कर सकते। वहीं से कविता निकल कर आती है, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, पढ़ो पढ़ाओ इसको तुम, पढ़ो पढ़ाओ इसको तुम, शिक्षा का इंतजाम करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, इसे जन्म दो इसे जीवन दो, इसे जन्म दो इसे जीवन दो, इसे भी अपनापन दो, दहेज नहीं कोई दान नहीं, दहेज नहीं कोई दान नहीं, इसे ज्ञान रूपी धन दो, उड़ने दो इसे ऊंची उड़ान, छूने दो इसे आसमान, उड़ने दो इसे ऊंची उड़ान, छूने दो इसे आसमान, भेदभाव ना करो रे इससे, दर्जा दो लड़कों के समान, ना रूढ़ीवादी बन कर तुम, ना रूढ़ीवादी बन कर तुम, लड़की को बदनाम करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी फूटा भाग्य नहीं, बेटी माथे का ताज है, बेटी फूटा भाग्य नहीं, बेटी माथे का ताज है, बेटी पथ का कांटा नहीं, बेटी फूलों में प्राग है, जो बेटी पर जुल्म नहीं, बेटी पर करता नाज है, समृद्ध वो समाज है जी, समृद्ध वो समाज है, समाज को समृद्ध बनाओ, समाज को समृद्ध बनाओ, बेटी पर मान करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, पढ़ो पढ़ाओ इसको तुम, शिक्षा का इंतजाम करो, ना मारो ना अपमान करो, शक्ति का प्रतीक है नारी, इसे अबला क्यों बनाते हो, शक्ति का प्रतीक है नारी, इसे अबला क्यों बनाते हो, ओरे अत्याचारी सुनो इसे जंजीरें क्यों पहनाते हो, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ भगवान निवास करते हैं, कहते हैं जी कन्याओं में दुर्गा रूप वास करते हैं, पूज्य है ये इसके, पूज्य
विषय है ये, इसके अभिभावक हो अभिमान करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, पढ़ो पढ़ाओ इसको तुम, पढ़ो पढ़ाओ इसको तुम, शिक्षा का इंतजाम करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो, ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो। शुक्रिया। बेहद सुंदर। ना मारो ना अपमान करो, बेटी का सम्मान करो। बेटा, आपको इतनी सुंदर कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? असल में मैम, बात कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी के आस पास की है, थानेसर रेलवे स्टेशन की। मैं कुरुक्षेत्रा यूनिवर्सिटी से यूथ फेस्ट देख के जा रहा था कई साल पहले। उस वक्त अंधेरा हो चुका था और मैं यूनिवर्सिटी से थानेसर रेलवे स्टेशन के पास जाके रुका। वहाँ पर एक व्यक्ति भी खड़ा था। मेरे पीछे पीछे एक औरत गिड़गिड़ाती आ रही है, उसके आगे तीन व्यक्ति हैं और वो उनसे कहते हैं कि आप जनाब, आप तीन थे और केवल 50 रुपये। उनमें से एक व्यक्ति उसको धक्का देता है, वो नीचे गिर जाती है और गिड़गिड़ाती रहती है और वो तीनों व्यक्ति चले जाते हैं। मेरे पास खड़ा व्यक्ति उससे पूछता है, फिर तू ऐसे काम ही क्यों करती है? और जो उसने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई थी उस वक्त, उस कहानी को जो मैंने सुना, उसमें उसकी बेटियों का भी जिक्र था, उसकी खुद की ज़िंदगी का भी जिक्र था। इसको सुन के मेरा रोया 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 है। और उस वक्त उसकी कहानी से मैंने एक कविता लिखी थी, उसका एक अंश मैं सोचता हूँ मुझे आप लोगों के साथ बांटना चाहिए। वो था, उस औरत ने कहा था, जो मेरे बेटे की उम्र का है वो भी मुझसे सौदा करता है, जो मेरे भाई की उम्र का है वो भी मुझसे धंधा करता है, और जो मेरे बाप की उम्र का है वो भी मुझको नंगा करता है। हाँ, धंधे वाली हूँ मैं, खूब गाली दो मुझे, खून गंदे वाली हूँ मैं, पर ये मेरा चाव नहीं, ये मेरी मजबूरी है। बेटियों के हाथ पीले करने हैं, जो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उस औरत की वो कहानी सुनकर मैं इतना व्यथित हुआ, इतना दुखी हुआ कि मैं रास्ते में जाते जाते ही, जो मैंने अपनी पहली कविता सुनाई थी पत्थर दिल पिघलाओ माँ, क्योंकि उसने अपनी कहानी में वो सारा जिक्र किया था कि कैसे क्या 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 घटित होता है। और मेरा मानना भी ऐसा ही है, बहुत सी बार हम सोचते हैं कि जब हाथ पीले करने पड़ते हैं या मजबूरियाँ आकर टूट पड़ती हैं तो उसके लिए जिस्म फरोशी करने की आवश्यकता नहीं होती। मैंने भी ये बात सोची थी, लेकिन फिर अगले ही पल मेरे मन में विचार आया था, मजबूरियों में बड़ी ताकत है, आदमी के तो क्या ओहदे होते हैं, इंसान जब इनसे है हारता तो आबरुओं के भी सौदे होते हैं। बिल्कुल, आपने रोंगटे खड़े करने वाली घटना का वर्णन किया। आइए अब हम आपको मिलवाते हैं अपने अगले प्रतिभागी से। आइए सुनते हैं ये कहाँ से आए हैं, इनका शुभ नाम और क्या सुनाने जा रहे हैं। मैं सोनीपत से आया हूँ, मेरा नाम मास्टर सतपाल वर्मा है और मेरी कविता का शीर्षक है बेटियाँ। छोटी छोटी बेटियाँ ये छोटी सी गुड़ियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ ये छोटी सी गुड़ियाँ, जैसे हो बैठी ये आंगन में चिड़ियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ ये छोटी सी गुड़ियाँ, जैसे हो बैठी ये आंगन में गुड़ियाँ, इन्हें खाने दो दाना ना समझो बेगाना, इन्हें खाने दो दाना ना समझो बेगाना, ना इनको सताना ना इनको उड़ाना, हैं प्यारी प्यारी कुड़ियाँ ये प्यारी सी कुड़ियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ ये छोटी सी गुड़ियाँ, जरा इनको बचाना जी इनको बचाना, जालिम के पंजों से इनको छुड़ाना, है मोतियों की लड़ियाँ ये मोतियों की लड़ियाँ, छोटी छोटी बेटियाँ ये छोटी सी गुड़ियाँ, जैसे हो बैठी ये आंगन में चिड़ियाँ, आज लेने दो उड़ारी जी इन्हें भी उड़ारी,
ना समझो इन्हें भारी ना किस्मत की मारी, ये प्यार की पुड़िया हैं प्यार की पुड़िया, छोटी छोटी बेटियां ये छोटी सी गुड़िया, जैसे हो बैठी ये आंगन में चिड़िया। जो बेटियां पढ़ेंगी तो घर खुशियों से भरेंगी, जो बेटियां पढ़ेंगी तो घर खुशियों से भरेंगी, ये आबरू ना लूटेंगी ये बुराई भी घटेंगी, ये बुराई भी घटेंगी ना आबरू लूटेंगी। खनकेंगी चूड़ियां फिर हाथों में चूड़ियां, खनकेंगी चूड़ियां फिर हाथों में चूड़ियां, छोटी छोटी बेटियां ये छोटी सी गुड़ियां, जैसे हो बैठी ये आंगन में चिड़ियां, जैसे हो बैठी ये आंगन में चिड़ियां। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सच में आंगन में खेलती हुई छोटी छोटी बेटियां चिड़ियों के समान होती हैं। और इनकी इस कविता से मुझे एक गाना भी याद आया है, बाबुल असी चिड़ियां दा चंबाए असी एक दिन उड़ जाना। सर अब आप अपनी दूसरी कविता सुनाइए। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है जैसा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और मैं अब इस कविता के बारे में जो है आपको सुनाऊंगा। आओ सब आवाज़ उठाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है जीने का अधिकार इन्हें भी, है जीने का अधिकार इन्हें भी, चाहिए थोड़ा प्यार इन्हें भी ना बेटियों पे कहर ढाओ। आओ सब आवाज़ उठाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो घर परिवार चलता है वो बेटियों से बनता है, खुशी मनाओ प्रीत दिखाओ, खुशी मनाओ प्रीत दिखाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ। क्यों बेटियों को डर लगता है, क्यों बेटियों को डर लगता है, यहाँ वहाँ क्यों घर जलता है, यहाँ वहाँ क्यों घर जलता है, ये भी भय का भूत भगाओ, ये भी भय का भूत भगाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ। गर्भ में बेटी जो मारेगा, गर्भ में बेटी जो मारेगा, कदम कदम पे वो हारेगा, कदम कदम पे वो हारेगा। मत बेटियों को तुम सताओ, मत बेटियों को सताओ, आओ सब आवाज़ उठाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ। दुख सुख में ये साथ निभाती, जीवन पथ पर साथ निभाती, दुख सुख में ये साथ निभाती, जीवन पथ पर राह दिखाती, पढ़ना लिखना इन्हें सिखाओ, पढ़ना लिखना इन्हें सिखाओ, आओ सब आवाज़ उठाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बहुत अच्छा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेलिब्रेट द गर्ल चाइल्ड एजुकेट द गर्ल चाइल्ड। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। सच में आपने जो कहा बेटियां चिड़ियों के समान होती है, उस बात ने दिल छू